रिटर्न टू माय चैनल कुक विद जिक्की। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं वेज मिक्स मसूर दाल। बहुत ही बेहतरीन ये दाल बनकर रेडी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये वेज दाल आपको बहुत ही पसंद आएगी। दाल बनाने के लिए चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, बना लेते हैं रेसिपी। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, इससे हमारे न्यू अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने लौकी को कट करके डाल दिया। अब हम इसमें कट करेंगे प्याज, अब हम इसमें कट करेंगे एक प्याज, क्योंकि ये सब दाल के साथ पक जाएगा तो इसे ज़्यादा पतला या महीन नहीं काटना है। दो से तीन हरी मिर्ची को हमने बीच से कट कट करेंगे। यहाँ पे एक टमाटर को हमने बीच से चार टुकड़े कर लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। चार से पाँच के लिए हम लहसुन की ऐड करेंगे। ये जो हमने इसमें खड़े मसाले साबुत मसाले डाले हैं, इससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा होना। हम डालेंगे एक चम्मच नमक, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, अब इसमें जाएगा एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून साबुत सौंफ, हम डालेंगे एक बड़ी इलायची और दालचीनी स्टिक छोटा सा टुकड़ा, दो तेज के पत्ते, डालेंगे 50 ml तेल। तेल आप चाहें तो सरसों का डाल सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे दाल जो हमने वॉश करके रखी थी, सारी दाल को ऐड कर देंगे। थोड़ा से एक चम्मच से हिला देंगे और कुकर की लीड लगा देते हैं। अब हम तीन सीटियाँ लगा लेते हैं, दो सीटी लग गई हैं। अब हम गैस को सबकी लीड निकाल देते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त तारी बनी है। एक चम्मच से इसे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कितनी इजी, कितनी सिंपल तरीके से आप बनाइएगा तो जाहिर सी बात है, देखिए कितनी तीखे दाल और बेहतरीन सी दाल बनकर रेडी हो गई। अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करती हैं तो आप ऐसे ही खा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जब हम इसमें तड़का लगा दें तो इस का टेस्ट और भी डबल हो जाएगा। तो जल्दी से तड़का लगा लेते हैं, इसमें इसे साइड कर देते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तेल को हीट कर लेंगे। तेल यहाँ पे हीट हो गया, हम डालेंगे एक पिंच हींग और हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। साथ में हम डाल देंगे प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज में नहीं डालना है, थोड़ा सा, क्योंकि हमने मसाले में ऐड किया है प्याज को। प्याज ब्राउन हो गया, हम डालेंगे लास्ट में मिर्ची, पहले हमें नहीं डालना है वरना बहुत सारी झार आने लगेगी। तो यहाँ पे इसे हमें हल्का सा गैस की फ्लेम ऑफ, अब हम मार देंगे तड़का। अब दाल में हम लगा देंगे तड़का। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दाल में तड़का लग गया है। अब इसमें थोड़ा गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ये दाल बनी हुई है, एकदम जबरदस्त। इस तरीके से आप लौकी दाल बनाइए, बहुत ही मजेदार ये दाल की रेसिपी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये दाल आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दाल की रेसिपी डेफिनेटली आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ नई डिफरेंस रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।